गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भजनपाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है ध्वनिबोधक शब्द। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ध्वनिबोधक शब्द क्या होते हैं। हिंदी भाषा में पशु पक्षी की बोली या आवाजों के लिए कुछ विशिष्ट ध्वनि बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे ही शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पशुओं की बोलियां पढ़ेंगे। सबसे पहला पशु है शेर। अब शेर की बोली को हम क्या कहते हैं? दहाड़ना। इसके बाद देखिए दूसरा पशु है घोड़ा। घोड़े की बोली को हम क्या कहते हैं? हिन हिनाना। तीसरा वर्ड है हाथी। हाथी की बोली को हम क्या कहते हैं? चिंघाड़ना। बंदर। बंदर की बोली को हम क्या कहते हैं? किलकिलाना। गाय। गाय की बोली को हम क्या कहते हैं? रंभाना। गीदड़। गीदड़ की बोली को हम क्या कहते हैं? हुआ हुआ करना। ऊंट। ऊंट की बोली को हम क्या कहते हैं? बल बलाना। सांप। सांप की बोली को हम क्या कहते हैं? फुफकारना। गधा। गधा की बोली को क्या कहते हैं? रेंकना। चीता। चीता की बोली को क्या कहते हैं? गुर्राना। भैंस। भैंस की बोली को क्या कहते हैं? डकराना। बिल्ली। बिल्ली की बोली को क्या कहते हैं? म्याऊं म्याऊं करना। चलो सभी बच्चे अब बिल्ली की बोली निकाल के दिखाओ। कुत्ता। कुत्ता की बोली को क्या कहते हैं? भौंकना। भालू। भालू की बोली को क्या कहते हैं? घर घराना। भेड़। भेड़ की बोली को क्या कहते हैं? मिमियाना। बकरी। बकरी की बोली को क्या कहते हैं? मिमियाना। बैल। बैल की बोली को क्या कहते हैं? डकारना। भौरे। भौरे जो होते हैं उनकी बोली को क्या कहा जाता है? गुंजारना। सुअर। सुअर की बोली को क्या कहा जाता है? हुरड़ हुरड़ करना। मेढक। मेढक की बोली को क्या कहा जाता है? टर्राना। अब हम कुछ पक्षियों की आवाजों को पढ़ेंगे। बतख। बतख की आवाज़ को बोलते हैं कूजना। कौवा। कौवा की आवाज़ को बोलते हैं काँव काँव करना। चिड़िया। चिड़िया की आवाज़ को बोलते हैं चहचहाना। उल्लू। उल्लू की आवाज़ को बोलते हैं हू हू करना। मुर्गा। मुर्गा की आवाज़ को बोलते हैं कुकड़ू कू करना। कोयल। कोयल की आवाज़ को बोलते हैं कुहुकना। बाज। बाज की आवाज़ को बोलते हैं चीखना। कबूतर। कबूतर की आवाज़ को बोलते हैं गुटर गु करना। मक्खियाँ। मक्खियाँ की आवाज़ को बोलते हैं भिन भिनाना। चील। चील की आवाज़ को बोलते हैं क्राक क्राक करना। अब कुछ जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ या क्रियाओं को हम पढ़ेंगे। जैसे अश्रु जो होते हैं हमारे, उनको क्या बोलते हैं? उनकी ध्वनि को या क्रिया को हम क्या बोलते हैं? जो आँखों आंसू जब हमारे निकलते हैं तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है? छल छलाना। बिजली। बिजली की ध्वनि को क्या बोलते हैं? कड़कना। तोप या बंदूक। तोप या बंदूक की ध्वनि को क्या बोलते हैं? दंदनाना। पंख। पंख। पंख की आवाज़ को क्या बोलते हैं? फड़फड़ाना। घुंघरू। घुंघरू की आवाज़ को क्या बोलते हैं? रुन झुन करना। गाड़ी। गाड़ी की आवाज़ को क्या बोलते हैं? छुक छुक करना। रेलगाड़ी की आवाज़ को बोलते हैं, जब रेलगाड़ी चलती है, छुक छुक करना। बादल। बादल जब बादलों की आवाज़ को क्या बोलते हैं? गरजना। रुपये। रुपये की आवाज़ को क्या बोलते हैं? खनकना।
दरवाजा, दरवाजा की आवाज़ को क्या बोलते हैं? खटखटाना। चारपाई, चारपाई की आवाज़ को क्या बोलते हैं? चरमराना। घंटा, घंटा की आवाज़ को क्या बोलते हैं? घन घनाना। पैर, पैर की आवाज़ को क्या बोलते हैं? पटकना। तो बच्चों, आपको इन सभी ध्वनियों को, इन सभी आवाज़ों को याद करना है और अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है।